हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और नैनीताल में सुनने में आया कि काफ़ी अच्छा सीज़न हो रहा है, तो मैं तो आज नीचे अभी तक गई नहीं हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे और फिर देखते हैं नैनीताल में कितनी भीड़ हो रही है, कैसा नैनीताल का नज़ारा चल रहा है आज। तो चलिए साथ में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मौसम का नज़ारा कुछ इस तरह का है। अभी आसमान साफ है और झंडे लहरा रहे हैं नैनीताल के हर घर में। तो चलते हैं अभी नीचे। देखिए, अभी मैं मार्केट पहुंची हूँ और सब दोस्तों से मुलाकात हो गई है। ये देखिए, सामने जीजा जी दिखाई दे रहे हैं, सुनील दा, और ये हमारे अनवर दा जो बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो कैसे हैं आप लोग? और फिल्म फेस्टिवल के बाद हम लोग आज ही मिल रहे हैं। फिल्म फेस्टिवल बहुत अच्छा रहा, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात। हाँ, काफ़ी अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़े अच्छे कलाकारों से। ब्लॉग आपका बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू। आप बनाते रहें और हम हौसला अफजाई करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। अब तो अदिति छा गई हैं ब्लॉग। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जीजा जी एक्स्ट्रा तारीफ करते हैं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो जीजा जी हैं, इसलिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जीजू जो ठहरे तो देखो, कलाकार हैं तो कुछ कलाकारी तो दिखानी ही पड़ती है। लास्ट में जो पंच इन्होंने मारा है कलाकार वाला, वो काफ़ी अच्छा रहा। चलिए मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं हूँ खड़ी बाजार में अभी और सब जगह यहाँ पे तिरंगे लहरा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। तो नीचे की तरफ चलते हैं और पास से देखते हैं। ये देखिए, कितने बढ़िया ये फ्लैग्स लग रहे हैं यहाँ। तो देखिए, खड़ी बाजार के हर एक पोल पे यहाँ झंडे लहरा रहे हैं और इस टाइम बड़ी भीड़ भाड़ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि सीज़न काफ़ी अच्छा हो रहा है अभी। तो यहाँ से ऊपर की तरफ भी दिखाती हूँ। और ये देखिए, यहाँ खड़ी बाज़ार में जो खेती हुई है, यहाँ पे टमाटर उग रहे हैं बड़े अच्छे। ये देखिए, तो अभी ये लाल नहीं हुए हैं, अभी हरे ही हैं, लेकिन बड़े अच्छे लग रहे हैं, नेचुरल टमाटर हैं। देखिए टमाटर के लग गए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया टमाटर। तो ये देखिए, जो मिनी चांदनी चौक है नैनीताल का, कैसी भीड़ भाड़ चहल पहल है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा टूरिस्ट आया हुआ है, क्योंकि नैनीताल में और नॉनवेज के शौकीन लोग होते ही हैं, और उसी के एंट्री पॉइंट पर आप यहाँ के नज़ारे भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये नज़ारे और भी गजब के हैं, और आप देख सकते हैं कि उनकी हालत ऐसी है कि उनके जेब से पैसे गायब हो रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है। ये देखिए, ये भी हमारे शहर का या सभी जगह का एक दुर्भाग्य है, लोग इतनी ज़्यादा पी लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और कहाँ मैं बैठा हूँ। तो ये बड़ा बुरा लगता है देख के ऐसा। फिलहाल सामने देखिए, तो देखिए नैनीताल के सीज़न का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पे आज गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, और देखिए नॉन स्टॉप गाड़ियाँ चल रही हैं। आज मैं हूँ अभी बिल्कुल थाने के बाहर से, पुलिस स्टेशन के बाहर, और यहाँ पे देखिए आगे थोड़ा सा जाम लगना भी शुरू हो गया है मस्जिद के पास। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं थोड़ा और वहाँ पे देखते हैं भीड़ भाड़। तो देखिए, अभी लगभग 7:15 हो रहा है और मस्जिद आप देख सकते हैं नैनीताल का, ये है मस्जिद। मस्जिद के साथ जो रोड है वहाँ पे आप ट्रैफिक की स्थिति देख सकते हैं, कितना ज़्यादा ट्रैफिक है अभी। तो लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं नैनीताल छुट्टियों में, छुट्टियों का मज़ा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ जाता है सीज़न होते ही, टूरिस्ट आते ही, जिसकी वजह से जाम लगना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं पीछे तक पूरी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। देखिए, तो मैं हूँ अभी फ्लैग्स के एंट्रेंस पे और आप सामने देख सकते हैं कितना साफ मौसम है आज, बिल्कुल बादल नहीं है। और ये देखिए, बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं रनिंग करके,
और अभी अभी फुटबॉल मैच यहाँ पे ख़त्म हुआ है, शायद आज सेमीफाइनल था तो वो अभी अभी ख़त्म हुआ है। उसके बाद भी बच्चे यहाँ प्रैक्टिस में लगे हैं, तो काफ़ी चहल पहल हो रही है अभी। तो थोड़ा भूटिया मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या इस समय स्थिति है। देखिए ये गाड़ियाँ सारी जा रही हैं पार्किंग में, और कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भीड़ हो रही होगी नैनीताल में। तो अभी सैटरडे था, आज काफ़ी भीड़ थी, अभी संडे मंडे भी छुट्टी है तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहेगी। तो मैं आ गई हूँ भोटिया मार्केट पे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं बड़ी भीड़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं बड़े फेमस सोनम मोमोज। ये देखिए यहाँ पे लगी है लाइन मोमोज के लिए यहाँ तक, और काफ़ी फेमस मोमोज हैं यहाँ के। देखिए आप देख सकते हैं ये सारी दुकानों के बाहर भारत का झंडा लहरा रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा अभी लगे हुए गलत हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सब ने जितने भी दुकानें हैं सबकी दुकानों के बाहर तिरंगे लगे हैं। देखिए कलरफुल मार्केट नैनीताल की। देखिए बच्चों के बड़े अच्छे टॉयज भी मिलते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जो भी लोग नैनीताल आते हैं वो यहाँ ज़रूर आना चाहते हैं। तो देखिए जिस हिसाब से टूरिस्ट आए हुए हैं उस हिसाब से यहाँ भीड़ अभी थोड़ी कम है, क्योंकि हो सकता है लोग अभी इधर उधर हों सब नहीं। तो ये बड़ी फेवरेट मार्केट है टूरिस्ट की, तो जो भी लोग नैनीताल आते हैं वो ये टिबेटन मार्केट और भोटिया मार्केट में ज़रूर आना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए आप खाने के जितनी भी जगहें हैं यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ आपको दिखाई देगी, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा भूख का टाइम भी है। तो ये देखिए लोग अभी यहाँ पे वेटिंग में खड़े हैं बाहर। तो ये देखिए क्योंकि ये बड़ी हैपनिंग सी जगह है नैनीताल की, और भीड़ भाड़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं ये सब फुल हैं, पैक चल रहे हैं अभी, और लोग बाहर से वेट कर रहे हैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और इधर देखिए मार्केट में काफ़ी अच्छी भीड़ हो रही है। देखिए देखिए शाम को थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ मैं आपसे। चलिए फ़िलहाल मंदिर के दर्शन करते हैं। अभी मंदिर पे पहुँच चुकी हूँ, और ये देखिए काफ़ी भीड़ है मंदिर में। अभी अभी आरती यहाँ ख़त्म हुई है शायद, तो देखिए आप सामने देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है इस टाइम मंदिर में। जय भोले शंकर जूता मैं। देख सकते हैं आप अभी भी आरती संपन्न है यहाँ, और मेरे ठीक सामने हनुमान जी, और इधर देखें मंदिर का नज़ारा। और ये है मुख्य मंदिर। तो चलिए फ्रेंड्स फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और अभी मैं आ गई हूँ मार्केट में, और मेरे पीछे जो आप दुकान देख रहे हैं यहाँ पे हमारा चाय का अड्डा है। तो चलिए फिर दोबारा किसी नए वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।